प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज चावल का रोटी बनाएंगे। चावल का रोटी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, 2 कप चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा कद्दूकस करके लिया है, नारियल कद्दूकस करके लिया है, कैरेट कद्दूकस करके लिया है, पुदीना थोड़ा सा धो के काट के लिया है, सोया साग थोड़ा सा लिया है, धनिया काट के लिया है, जीरा, ये तुरई को मैं थोड़ा कद्दूकस करके लिया है, ये ऑप्शनल है, अदरक, करी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, ग्रीन मिर्ची, ऑयल, अभी एक बर्तन में कैरेट डाल रही हूँ। जो भी सामग्री लिया था ना, वो सब सामग्री इसमें एक एक करके डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा ये मिक्स हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मिक्स करेंगे। देखिए ऐसा, ये मैं 4 जनों के लिए बना रही हूँ। देखिए आटा कितना अच्छा मिक्स हो गया है। इसको एक एक करके लोई बना के तवे को थोड़ा ऐसा ग्रीस करके एक लोई ऐसा रख के एक बर्तन में थोड़ा पानी रखेंगे, उसमें हाथ डालते ऐसा फैलाएंगे इसको हाथ से ही, ये रोटी बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छा ये पतला पतला फैल रहा है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। इसको गैस के ऊपर रख के एक थाली बंद करके पकाएंगे। वो पकने तक दूसरे तवा में और एक रोटी तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसा, देखिए अभी इसको भी दूसरे तरफ गैस पर रख देंगे। देखिए ये पक गया है। अभी इसको उल्टा करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलरफुल रोटी तैयार हो गया है। देखिए सब्जियों का रोटी, चावल का रोटी, थोड़ा सा घी डाला है। इसको चटनी के साथ, अचार के साथ ऐसे ही भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए चावल का रोटी, कलरफुल रोटी, टेस्टी रोटी रेडी।